नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। 27 अगस्त 2022 शनिवार के दिवस पे एक बहुत ही विशेष प्रकार का योग निर्मित होगा। विशेष प्रकार का क्यों कहना चाहिए इसे, योग तो प्रतिदिन चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि की कलाओं के साथ सम्मिलित होकर बनते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों, राशियों के संयोग से कुछ ऐसे अद्भुत और आशीर्वाद पूर्वक योग भी बनते हैं जिनका लाभ जनमानस को तुरंत लेना चाहिए। जैसे 27 अगस्त 2022 को शनिवार के दिवस पे अमावस्या रहेंगी और इस दिवस की अमावस्या बहुत ही विशेष है। उसके कारण क्या है कि ये शनि मावस भी है, इसे कुशोत पाटनी मावस भी कहा जाता है। और साथ ही अगर देखें तो इसके भीतर मघा नामक नक्षत्र भी उदित रहेंगे। कुशोत पाटनी अर्थात कुश से कुशा बना, और कुशा एक प्रकार की विशेष प्रकार की घास का प्रतीक है। वह कुशा या वह घास जिस समय खंड में यदि पितरों के निमित्त कोई तर्पण किया जाए या उनके निमित्त कोई प्रार्थना की जाए या उनसे आशीर्वाद प्राप्ति की आशा की जाए, तो उस समय आप ये देखिए कि योग्य शास्त्री हम लोगों के हाथों में कुछ तिल एवं अनामिका उंगली के भीतर एक कुशा से संबंधित, कुशा के द्वारा बनाई गई अंगूठी धारण करवाते हैं और तब वे तर्पण और पूजा पद्धति को पूर्ण करते हैं। तो इस दिन इस कुशा का बहुत ही महत्व है, लेकिन यहाँ हम एक बहुत साधारण रूप में इस उपाय को या ये कहें इस प्रार्थना को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। मघा नक्षत्र अपने आप में पितरों का नक्षत्र है, अमावस्या अपने आप में पितरों का दिवस है, शनिवार जो वृद्ध जनों को और श्रमजीवी वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य उनके श्रद्धा के अंदर पितृदोष से शांति दिलाता है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने उन दिवंगत या स्वर्गीय पितृजनों को जो अब नहीं है वर्तमान में, उनके निमित्त उनको याद करके, उनको स्मृति करके, उनके निमित्त उनसे क्षमा याचना कीजिए कि यदि कोई भूलवश हमसे आपके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। साथ ही साथ उनके निमित्त उनके नाम से कुछ भोजन, सहायता, किसी भी प्रकार का जो आपके सामर्थ्य अनुसार उचित प्रकार से उपलब्ध हो, वह किसी श्रमजीवी वर्ग को जो अति श्रम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको उसके निमित्त उसका भेंट देना चाहिए, उसका दान करना चाहिए। इस प्रकार से शनि मावस के द्वारा ना केवल शनि ग्रह जो कर्म फल का दाता है, अपितु अमावस्या एवं मघा नक्षत्र का आशीर्वाद भी आम जनमानस को प्राप्ति होगी, पितृ शांति होंगी और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। निरंतरता चर्चा आप लोगों के साथ बनी रहती है। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा के नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।